आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। क्यों हुए डलकर शॉक्ड? किस तरह की मसाला एंटरटेनर हो गए फिल्म? क्यों धक्का लगा डलकर सलमान को फिल्म के ऑफर से? चुप एक ऐसी कहानी है जहां आपको हर कदम पर थ्रिलर का एहसास कराएगा। आर बल्की अपनी राइटिंग और डायरेक्शन स्टाइल से, वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म आर बल्की का किलर और ब्लड जॉनर में डायरेक्शन डेब्यू होने वाली है। इसके पहले आर बल्की ने पीकू पा चीनी कम जैसी बेहतरीन फिल्में बनाकर दी है। ऐसे में आपको बता दें कि फिल्म में आप सभी को एक साइकोलॉजिकल कहानी देखने को मिलने वाली है जहां क्राइम होगा, उसको छुपाए रखने के लिए लाखों झूठ बोले जाएंगे और उस क्राइम को दबाने के लिए कुछ लोगों को चुप भी रहना पड़ेगा। लेकिन इस चुप्पी को खोलेंगे वकील जो उठाएगा इस केस पर से पर्दा, जिसको सुलझाना होगा थोड़ा मुश्किल पर नामुमकिन नहीं। कहानी में दिमाग से खेला गया खेल दिखाया जाएगा जिसे फिल्म में सस्पेंस एकदम एंड में खुलता दिखेगा। तो ओवरऑल कहानी आपको शुरू से लेकर एंड तक एक जगह बांधे रखेगी। ऐसे में इस फिल्म में कई स्टार्स नजर आने वाले हैं जैसे सनी देओल, पूजा हेगड़े, पूजा भट्ट और डलकर सलमान, जो अहम रोल में नजर आएंगे। वहीं डलकर ने फिल्म ऑफर होने पर अपने रिएक्शन को शेयर करते हुए बताया कि जब बल्की सर ने मुझे चुप ऑफर की तो मैं चौंक गया और कहा, क्या आप वास्तव में इस भूमिका के लिए मेरे बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने पहले नहीं किया है। ये किसी भी रूप में सेम नहीं है। मुझे लगता है कि ये उनके लिए भी है। ये एक साइकोलॉजिकल फिल्म है लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब ये सामने आएगी तो आप सभी इसके बारे में एक्साइटेड होंगे। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म के सभी कलाकार का अभिनय इस फिल्म में कैसा होगा। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई कारवा और सोनम कपूर स्टारर द जोया फैक्टर के बाद सलमान की तीसरी हिंदी फिल्म होगी। फिल्म के रिलीजिंग डेट की बात करें तो फिल्म 27 मई 2022 को रिलीज की जाएगी आपके नजदीकी थिएटर में। तो आप सब कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इसी के साथ मैं लेती हूँ अब सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।